तो आज डॉक्टर्स डे है, धरती के भगवान को आज सम्मानित भी किया जाना है। ऐसे में हमारे संवाददाता अंजनी लगातार बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अंजनी, आज डॉक्टर्स डे पे हमने देखा है कि जो जीवन दान देते हैं, जिसे धरती का भगवान कहा जाता है, उनके लिए खास दिन भी है और हम सभी उनका भी सम्मान करते हैं। उनसे बात कीजिए और आज उनके लिए कितना खास है, वो क्या कहना चाहते हैं इस मौके पर, एक बार बात कीजिए। देखिए अमिता, आज डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर्स डे किस लिए मनाया जाता है तमाम दर्शकों को थोड़ा बताना भी चाहते हैं। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय थे, जो एक अच्छे डॉक्टर थे और बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो उनका जो योगदान था, उनकी जो भूमिका थी, वो सराहनीय थी। और यही वजह है कि उन्हें 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और डॉक्टर्स डे उन्हीं के जन्मदिन और मृत्यु का दिन दोनों एक ही दिन है, इसलिए 1 जुलाई का जो है डॉक्टर्स डे के नाम से है। और धरती के भगवान कहे जाते हैं और इनकी जो भूमिका होती है, अभी जिस तरह से कोरोना वायरस का पूरे वर्ल्ड में जो प्रकोप रहा, भारत में रहा, झारखंड में रहा, और इनकी भूमिका जितनी भी हम तारीफ करेंगे तो वो कम होगी। तो ये धरती के भगवान हैं और आज न्यूज 11 तमाम डॉक्टर्स को बधाई भी देता है और ये कामना करता है कि आगे और बेहतर करेंगे। डॉक्टर बिमलेश सर, बताइए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? या आज का दिन विधान चंद्र राय का जन्मदिन और उनका जिस दिन इसी दिन मरण दिवस भी हम लोग मनाते हैं, उसी उन्हीं की याद में हम लोग 1 जुलाई डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं हम लोग। और सबसे बड़ी बात है कि जो कोरोना के टाइम में मैं आज यही ये गुजारिश करना चाहूँगा अपने डॉक्टरों से कि जैसे भी हो, जैसे भी संघर्षशील रह के इस कोरोना को भगाना है। जो हमारी क्षमता और जो हमारी अपनी कार्यशीलता रहेगी, उसके ये में हम लोग निश्चित रूप से आज प्रण लेते हैं कि हम लोग कोरोना को दूर करेंगे यहाँ से। बहुत अच्छी बात कही है सर। आज का दिन कितना गर्व महसूस होता है? आज 1 जुलाई डॉक्टर्स डे है, गर्व तो महसूस जरूर होता है, क्योंकि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं और अपने को बचाते हुए, अपने परिवार को बचाते हुए हम मरीजों की रक्षा कर रहे हैं। आज जैसे आज का जो दिन है, इसको आप लोग कैसे मतलब मनाएंगे और कितने लोगों ने आप लोगों को विश किया है? क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने कोरोना टाइम में काम किया है, वो तब जितनी भी तारीफ हो कम होगी। देखिए, डॉक्टर होने के नाते तो, और हमारा हेल्थ वर्कर जो भी हमारा है, तो हमारा जो ड्यूटी हम तो करिए रहे हैं, लेकिन पब्लिक से भी हमारा अनुरोध होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो संदेश है कि डिस्टेंसिंग करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज करना है, तो वो यूज करें। और जो हमारे डॉक्टर्स या पैरामेडिकल हैं, उनको सपोर्ट करें कोरोना को भगाने में। क्या है कि उनका सपोर्ट नहीं होगा तो कोरोना को भगाने में बड़ा कठिनाई हो रही है। देखिए, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने अपील की है और यहाँ हमारे साथ मैम भी हैं। मैम, सबसे पहले बधाई हो आपको। आज का जो दिन है, घर में हो, हॉस्पिटल में हो, कैसे लोग आप लोगों को याद कर रहे हैं? आज सुबह से ही बहुत लोग विश कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम लोग इतना काम करते हैं कि लोग आज एक दिन हम लोगों के लिए डेडिकेट किए हैं कि डॉक्टर्स डे मना रहे हैं। तो आज बहुत प्राउड फील हो रहा है, कोरोना में काम करने में और अच्छा लग रहा है कि हम लोगों को पब्लिक हम लोगों को याद कर रही है आज के दिन में कि हम लोग। सर, क्या संकल्प लेते हैं और तमाम लोगों से क्या अपील करते हैं? देखिए, ये जो डॉक्टर्स दिवस है, एक तरह से हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणा दिवस है। डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस और उसको मृत्यु दिवस को स्मरण करते हुए उनके कार्यों को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ा रहे हैं। अभी खासकर इस विपरीत परिस्थिति में जितने भी डॉक्टर हैं, अपने क्षमता अनुसार, जैसे भी हमारे वरिष्ठ लोगों ने कहा, उस अपना क्षमता लगाकर पूरा सेवा में लगे हुए हैं, मरीजों की सेवा में, सभी डर को भुलाकर पूरा कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं, लड़ भी रहे हैं। और सभी से गुजारिश कर रहे हैं कि अपना ये मास्क लगाए, सैनिटाइजर लगाए, डिस्टेंसिंग
मेंटेन करें ताकि उसको हम लोगों से बच। देखिए अमिताभ, तमाम जो डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, और इनका जो अनुभव है यहाँ के सदर हॉस्पिटल के जो मरीज आते हैं उनको इन लोग ट्रीटमेंट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आज का दिन जो है डॉक्टर्स डे के रूप में पूरे भारत में मनाया जा रहा है। और ऐसे में जो संकल्प इन्होंने लिया है, आम लोगों से यही अपील की है कि आप अभी भी जो कोरोना काल में हम लोग हैं, कोरोना वायरस का प्रकोप है, तो संभल कर रहें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी को बनाते हुए चीजों को समझें, तब हम इस चीज से हम काबू पा सकते हैं। और हम आज डॉक्टर्स डे पे न्यूज़ 11 भारत भी तमाम डॉक्टर्स की मेहनत, उनके संघर्ष को सलाम करता है।